मेरी आवाज आ रही है? ये किस किसने लगाई आप में से? किसने गिग लगाई है फाइवर पे? एक अकाउंट क्रिएट किए? जी सर, अकाउंट तो क्रिएट कर लिया है, लेकिन ये है कि अभी तक गिग नहीं लगाई है, और क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन भी थोड़ी सी बाकी है लिखना। चलें ठीक है, वो कोशिश करें लगा लें जल्दी, इस वीकेंड में कोशिश करें एटलीस्ट एक गिग तो लगाएं आप सब। नेक्स्ट, आज का हमारा जो टॉपिक था वो दराज का है, ठीक है। फाइवर पे कैसे वर्किंग करनी है वो लास्ट क्लास में मैं बता चुका हूँ, देखिए उससे प्रीवियस क्लास में डिस्कशन बहुत ज़्यादा डिटेल में हुई थी कि अमेजोन की सर्विसेज को आप कैसे सेल आउट कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा दराज का बताता हूँ कि दराज की फंक्शनैलिटी कैसी है, इस पर वर्किंग कैसे कर सकते हैं, इस पर कौन कौन सी स्किल्स हैं, ठीक है, और इसके एक ही टूल है दराज का, उसके बारे में डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। दराज का बाकी जो प्रोसीजर है सेम अमेज़ॉन की तरह है, एज इट इज 100% अमेज़ॉन की तरह है, लेकिन अमेज़ॉन थोड़ा सा लार्ज स्केल पे है और दराज स्मॉल स्केल पे है। अमेज़ॉन ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड है और दराज जो है वो 3-4 मुल्कों में है सिर्फ, ठीक है। दराज पाकिस्तान का अलग है, बांग्लादेश का अलग है, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट दराज है, लेकिन अमेज़ॉन ओवरऑल हर जगह एक ही है। जो पाकिस्तान का दराज है हम बेसिकली इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी जो है पाकिस्तानी है, तो बाकी को सेम दराज सेम फंक्शनैलिटी उधर भी है, तो इसलिए बाकी जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं वो भी सेम वर्किंग सेम मेथड अप्लाई कर सकते हैं। हंटिंग जो है दराज पे सेम प्रोसीजर होना है, पहले हंटिंग होनी है, फिर सोर्सिंग होनी है, फिर लिस्टिंग होनी है, ठीक है, सेम प्रोसेस है, लेकिन इसमें पीपीसी कैंपेन जो है वो आप 3 माह के बाद चला सकते हो, फौरन नहीं चला सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेलर कम है। पीपीसी कैंपेन का वहाँ ज्यादा बजट होता है, वहाँ ज्यादा खर्च होता है, जहाँ सेलर ज्यादा हो, जहाँ कंपटीशन टफ हो। दराज पे कंपटीशन टफ नहीं है, आप लोगों को पता है, एज कम्पेयर टू अमेज़ॉन, इसलिए यहाँ पे पीपीसी कैंपेन पे इतना ज्यादा खर्चा भी नहीं होता और ज्यादा जरूरी भी नहीं होती कि आप करो। हाँ, फेसबुक पे एड्स वगैरह लगा लो, व्हाट्सएप पे लगा लो, ट्विटर पे लगा लो, इंस्टा पे लगा लो, ठीक है, वो एड्स वगैरह रन कर सकते हैं, लेकिन दराज के ऊपर पीपीसी ऐड नहीं लगा सकते आप लोग। हंटिंग मैनुअल भी है, इसमें ज्यादा मैनुअल है। जो टूल है इसका जर्विस टूल का नाम है जर्विस, बस गुजारे लाइक टूल है, ठीक है, गुजारा है, उसमें 100% श्योरिटी नहीं है। बेसिक इंफॉर्मेशन देता है जो हम मैनुअली इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन देता है और बहुत ज्यादा उसका फायदा नहीं है जर्विस का अब तक, क्योंकि कंपटीटर ज़्यादा नहीं है। टूल्स हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ कंपटीटर ज़्यादा हो। ये जर्विस नया टूल आया है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, बस गुजारे लाइक है। लिस्टिंग जो है इसकी एग्जैक्टली अमेज़ॉन की लिस्टिंग की तरह है, जो मैंने आप लोगों को करवाई हंटिंग में, अभी करवाता हूँ। थोड़ा सा टूल को यूज़ करेंगे, मैनुअली चीज़ों को देखेंगे, लिस्टिंग भी हम लोग देखेंगे, लेकिन मैं पहले सारी चीज़ें वन बाय वन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो इसकी लिस्टिंग है दराज की सेम एज इट इज है, इसमें भी टाइटल होता है, ठीक है, लेकिन इसका टाइटल ज़्यादा, उसमें लिमिटेशंस थी कि आपने ये सीक्वेंस फॉलो करना है, ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, इतनी लेंथ होनी चाहिए, रेंज होनी चाहिए। इसकी रेंज भी है, ठीक है, अब 200 करेक्टर तक इसका टाइटल लिख सकते हैं, लेकिन बाकी सीक्वेंस आगे पीछे हो, लेकिन अमेज़ॉन वाला सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो आपकी जो रैंकिंग होगी वो ईजिली हो सकेगी। आपको इस पे एड्स वगैरह रन कम करने पड़ेंगे, ज़्यादा एड्स वगैरह नहीं रन करने पड़ेंगे, अगर इन केस आपने वही SEO टाइटल वाली जो मैंने सारी गाइडलाइन बताई थी वही फॉलो की तो, क्योंकि उसमें जो आप सर्च टर्म्स यूज कर रहे होते हैं बेसिकली उन्हीं सर्च टर्म्स की बेस पे तो आपके प्रोडक्ट की रैंकिंग होती है, कि जैसे कोई सर्च करेगा आपका प्रोडक्ट शो होगा। अगर आपने उस टाइटल के अंदर ये अच्छी सर्च टर्म्स और अच्छे कीवर्ड्स पुट कर दिए तो दराज पे कंपटीटर तो कम होते हैं, जब कम कंपटीटर होंगे तो आपका प्रोडक्ट इजीली उन सर्च टर्म्स के अकॉर्डिंग शो होने लग जाएगा, ऑटोमेटिकली आपकी रैंकिंग स्टार्ट होने लग जाएगी जैसे क्लिक्स और इंप्रेशंस पड़ेंगे। नेक्स्ट, सेम जिस तरह वहाँ पे बुलेट पॉइंट होते हैं इसमें भी बुलेट पॉइंट्स हैं,
ये डिपेंड करते हैं कि आपके प्रोडक्ट के फीचर कितने हैं उसमें, अगर इनकेस कोई ड्रॉबैक है, सम प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें लिटिल बिट ड्रॉबैक्स होते हैं, लाइक कोई ये मोबाइल वगैरह है तो ये वार्म अप हो जाते हैं, इसका ड्रॉबैक ही है एक किस्म का। तो इस तरह के जो ड्रॉबैक्स होते हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं, कोई गाइडलाइन है वो आप मेंशन कर सकते हैं, कोई वारंटी है वो मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशन या केयर है वो आप फीचर या की पॉइंट में शेयर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सेम इसके 100% हैं, जिस तरीके से अमेजोन के थे, आप इसमें ज़्यादा करेक्टर भी लिख सकते हैं, कम भी लिख सकते हैं। बेहतर है जो कीवर्ड्स हैं, की फीचर्स हैं, बुलेट पॉइंट्स हैं, उन्हें आप ज़्यादा लेंथी ना लिखें, ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में हर चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हो, तो जो यहाँ पे की पॉइंट्स आपके होने वो टू द पॉइंट लिखें। टू द पॉइंट लिखने का फ़ायदा क्या होगा कि सिर्फ एक लाइन में एक्सप्लेन करें पूरी बात का निचोड़, अब कस्टमर जैसे ही पढ़ेगा फौरन अट्रैक्ट हो जाएगा पूरा। अगर बड़ा बड़ा आप लोगों ने यहाँ पे की फीचर लिख दिए, बुलेट पॉइंट ज्यादा लिख दिए, लेंथी लेंथी, तो पढ़ने का टाइम किसी के पास नहीं होता, बस वो टू द पॉइंट एक नज़र में चेक करेगा। तो जो बुलेट पॉइंट होते हैं इनका मकसद बेसिकली यही होता है, कस्टमर की अट्रैक्शन को अट्रैक्ट करना, कस्टमर को इंस्पायर करना। तो जब वो एलिजिबल होंगे, इतने एफिशिएंट होंगे आपके बुलेट पॉइंट के, कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, तो फिर ही आपकी सेल्स होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की। सेम इसका डिस्क्रिप्शन भी HTML कोडिंग के साथ करना होता है, सेम डिस्क्रिप्शन होता है, आपने प्रोडक्ट की सारी डिटेल को एक्सप्लेन करना होता है। जितना अच्छा करेंगे ऑब्वियसली आपका प्रोडक्ट उतना अच्छा रैंक करेगा, उसकी लिस्टिंग उतनी अच्छी होगी, ठीक है, उसकी वर्थ उतनी होगी। हाँ, गुजारे लाइक भी हो जाए तो यहाँ पे हो जाएगा, चल जाएगा आपका प्रोडक्ट, अगर टू द पॉइंट बस गुजारे लाइक भी बन गए, ये सारी टाइटल बुलेट पॉइंट डिस्क्रिप्शन गुजारे लाइक भी हो गया तो भी आपका प्रोडक्ट चल जाएगा, क्योंकि कंपिटिटर नहीं है यहाँ, मार्केट प्लेस छोटी है, लेकिन अच्छा करेंगे तो ऑब्वियसली अच्छा ही मिलेगा फायदा। ये डिस्क्रिप्शन, देन पिक्चर्स की बारी आए, तो पिक्चर्स आप यहाँ पे सेम जिस तरीके से वहाँ अप्लाई की थी वहाँ पे यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, सेम सीक्वेंस होगा, तो उसमें वहाँ मल्टीपल वेरिएशन अगर प्रोडक्ट में तो वो ठीक है, और साइड में एक प्रोडक्ट की डिटेल पिक्चर्स जो होती हैं जिसमें था अदर इमेज वन, अदर इमेज टू, URL, अदर इमेज थ्री, फोर, अप टू एट, वो सेम आप यहाँ पे इमेजेस अप्लाई कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, जिनमें JPG, GIF, PNG ये टाइप्स हो जाती हैं अपलोड इजीली, स्क्रीनशॉट वगैरह ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी, कॉपीराइट इशू आ जाएगा। प्राइस वगैरह उसके बाद देन इसका कॉलम होता है प्राइस का, सेम जिस तरीके से वो मैंने टेम्पलेट दिया था उसमें, इसमें बाकी ज़्यादा एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं होती। प्राइस प्राइस मेंशन कर देंगे आप लोग, SKU इसमें ऑप्शनल होता है, सेलर कीपिंग यूनिट उसमें भी ऑप्शनल होता है, जो आप मर्जी है रखना चाहें तो ठीक है, नहीं रखना तो भी ठीक है, स्टॉक कीपिंग यूनिट या सेलर कीपिंग यूनिट SKU होता है। देन इसमें प्रोडक्ट की जो उसके फर्दर उसकी एक्सप्लेनेशन है, लाइक उसकी डायमेंशन होगी, उसमें हाइट, विड्थ, लेंथ, वेट, ये सारी चीज़ें वो वन बाय वन पूछेगा, और बस दैट्स ऑल, इतनी ही इसकी लिस्टिंग होती है, इसकी लिस्टिंग लंबी चौड़ी नहीं होती है। मेन चीज़ें होती हैं टाइटल, की फीचर्स जिन्हें बुलेट पॉइंट के नाम से आप लोग जानते हैं, डिस्क्रिप्शन, पिक्चर्स जो अपलोड हो जाएंगी, देन नॉर्मल चीज़ें, बेसिक चीज़ें, प्राइस, SKU और डायमेंशन, जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है वो आपको सेलर प्रोवाइड कर देगा। प्राइस आप लोगों ने खुद देखनी होती है कि आपने सोर्सिंग को देखते हुए, क्योंकि अमेजोन सारा आप लोग कर चुके हो, आप लोगों को पता है प्राइस आप लोगों ने देख कैसे रखनी होती है, सोर्सिंग की भी प्राइस चेक करनी है, मार्केट में कंपटीशन की प्राइस भी चेक करनी है। अब इन दोनों की प्राइस को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने प्राइस ऐसी प्राइस रखनी होती है कि इनके उस कस्टमर से भी कम हो और सोर्सिंग में भी आपको फायदा हो रहा हो, इतना फायदा हो रहा हो इन केस फ्यूचर में थोड़ा सा लॉस होता है तो आप नुकसान में ना जाओ, नफे में ही रहो, चाहे थोड़ा नफा हो जाए लेकिन नफा ही हो, नुकसान ना हो, प्राइस ऐसी रखनी होती है। ये कब हम अंदाजा लगा सकते हैं ऐसी प्राइस का, सोर्सिंग और कंपटीशन को देखते हुए, मार्केट को देखते हुए हम ऐसी यहाँ पे कर सकते हैं प्राइस वगैरह। अब चाहे सोर्सिंग की एक छोटी सी बात मैं एक्सप्लेन कर दूं, फिर हम हंटिंग की तरफ चलते हैं। जो सोर्सिंग है जी, जो इसमें सोर्सिंग होती है, सोर्सिंग का मतलब आप लोगों को पता है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाना। अब सोर्सिंग कहीं से भी कर सकते हैं, दराज की सोर्सिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं, जिस तरह अमेजोन की सोर्सिंग करनी होती थी,
ऑब्वियसली अमेजोन बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, तो आपको सोर्सिंग भी बहुत एफिशिएंट चाहिए थी, ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए थी। दराज छोटा प्लेटफॉर्म है, आप इसकी सोर्सिंग कैसे कर सकते हैं? सिंपल, किसी रिटेलर के पास है, बाजार में किसी रिटेलर के पास है, उससे प्रोडक्ट की पिक्चर्स लें, प्रोडक्ट बेशक ना लें, एक इजीएस्ट मेथड बता रहा हूँ, प्रोडक्ट की पिक्चर्स लें, पिक्चर्स को लेके प्रोडक्ट की डिटेल्स लें, सारी डिटेल लें कि वो प्रोडक्ट आपको कितने में दे रहे हैं, उसके कलर कौन सा है, ठीक है, डायमेंशन क्या है, ठीक है, ब्रांड नेम क्या है, डिस्क्रिप्शन वगैरह, और सारा कुछ उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो लें। वापस आए उन पिक्चर्स को और उस इंफॉर्मेशन को दराज पे अपने सेलर सेंटर पे अपलोड कर दें। अब क्या होगा, वो आपके सेलर सेंटर से जो मर्जी ब्रांड है आपके सेलर सेंटर से बिक रहे हैं। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, जो बड़े ब्रांड हैं, जो पेटेंट ब्रांड है, उन्हें ना पकड़िएगा, क्योंकि वो पेटेंट ब्रांड है तो ऑब्वियसली उनके लिए आपको एनओसी चाहिए। हाँ, अगर ब्रांड एनओसी दे दे तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर आप लोग कर सकते हो। एक खाड़ी को आप पकड़ते हो, यार खाड़ी एक बड़ा ब्रांड है, जब तक कोई एनओसी नहीं देगा आप उसके कपड़े नहीं बेच सकते खाड़ी ब्रांड के, ठीक है, एज अ लोकल सेलर, क्योंकि उनकी रेपो खराब होती है। हाँ, एनओसी दे दे फिर आप लोग सेल आउट करो। जो लोकल ब्रांड्स हैं, लोकल ब्रांड भी बेतहाश हैं, आप उनके प्रोडक्ट्स पकड़ें, उनकी लिस्टिंग्स लगाएं, प्रोडक्ट खरीदना नहीं है, बस लेट्स सपोज कोई भी प्रोडक्ट है, अगर इनके दराज पे है तो दराज पे हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स क्या बिकते हैं पाकिस्तान में, दराज पे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, जिनमें ये हैंड फ्रीज आ गई, एयरपॉड्स आ गए, ठीक है, स्पीकर आ गए, रिस्ट वॉच आ गई, क्या चीज, अगर इनसे हटके देखें तो कुछ सिटीज में लाइक लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, ठीक है, और अब इवन फैसलाबाद में भी ये ग्रोसरी का सामान बहुत बिक रहा है, इवन प्याज तक, प्याज वो भी दराज पे बिक रहा है, डेली प्रोडक्ट, डेली यूज का जो प्रोडक्ट है वो भी डिपेंड कर रहे हैं मार्केट प्लेस के अकॉर्डिंग। अदरवाइज देखें तो हमारे यहाँ शूज, ठीक है, इनका भी ट्रेंड है ग्रोसरी में, बाकी जो चीजें आ जाती हैं लाइक सोप्स आ गए, डिटर्जेंट्स आ गए, ठीक है, वॉशिंग पाउडर्स आ गए, ये चीजें भी सेल आउट हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद ज्वेलरी जो मेन चीज है, मेकअप की चीजें, ये बहुत ज्यादा सेल आउट होती हैं, ज्वेलरी बहुत ज्यादा होती है, उसमें डिजाइन होते हैं बहुत प्यारे प्यारे, फीमेल्स देखती हैं जी, ठीक है, टक, एक खरीदा, दूसरा, तीसरा, जो जो पसंद आए बस क्लिक करते हैं, जब बाद में जब बिल बनता है, अच्छा इतना बन गया था, ठीक है जी, मतलब ये सीन होता है, ये ट्रेंड होता है जो पाकिस्तान मार्केट का ट्रेंड है, आप सबको पता है पाकिस्तान में रह रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, वही सेम प्रोडक्ट आप जिस दुकान से लेते हो उससे बोलो, भाई मैंने आपसे ज्यादा क्वान्टिटी में खरीदने हैं, ठीक है, लेकिन मैं खरीदूंगा उस वक्त जैसे मेरे पास ऑर्डर आएंगे। आप उससे जाके तस्वीरें लें, या फिर उससे जाके एक बार डील टाइम करने से पूरी बात एक्सप्लेन कर दें, तो भाई इस तरीके से मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे आपके प्रोडक्ट की पिक्चर चाहिए, मैं आपकी सेल्स को इंक्रीज करूंगी, लेकिन आपने मुझे क्या करना है, थोड़ा सा ना डिस्काउंट के साथ चीजें देनी, ठीक है। वो आपको अगर इन केस आप कोई ज्वेलरी की कोई चीज रिंग ले लें, कोई एक रिंग आपको दे रहा है, वो आपको 250 में दे रहा है, वो लिस्टिंग कर लें 350-400 तक, ठीक है, डिस्काउंट लगा दें 50 का और 350 रुपए की दे दें, वो अगर 250 की दे रहा है 350 तक दे दें, वो 200 की देता है तो भी 350 तक दे दें, क्योंकि रिंग्स बिक जाती हैं इतनी की। अब वो क्या है, लिस्टिंग कर दी प्रोडक्ट उसके, जैसे ही ऑर्डर आएगा आपने क्या करना है, उससे लेनी है वो, ठीक है, और पैक करवा के उस पे डिलीवर कर देनी है उस एड्रेस पे, और डिलीवरी चार्जेस भी ले लेने हैं, ठीक है। ये प्रोसीजर होगा, इस तरीके से आप लोगों ने डिलीवरी करनी है, आपके पैसे आएंगे, उन पैसों का क्या करना है जी, जो कमीशन आपके वो अपने पास रखने हैं, 250-250 रुपए जितने की चीज थी वो जाके दुकान वाले को दे देंगे, या इनके पहले दे दें और चीज ले लें, और फिर जो पैसे आए वो अपने पास रख लें, दोनों मेथड हो सकते हैं, क्योंकि जो शॉपकीपर होगा उसके साथ आप लोगों की डील ऑलरेडी हुई हुई होगी कि मैं आपकी सेल्स को इन्हेंस करूंगा, या गेम, एक ये मेथड है। कोई भी प्रोडक्ट ले लें, या ये ग्रोसरी का प्रोडक्ट, उनकी पिक्चर्स अपलोड कर दें, फ्री का माल है, इनके हर प्रोडक्ट से आपको 100-100 भी प्रॉफिट, और ज्यादा सारी लिस्टिंग्स आपने की हुई हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, और उनकी अगर 10-10 सेल्स भी हो जाए तो घर बैठे आप लोग डेली बेसिस पे 1,000-1,200-2,000 तक अर्निंग कर सकते हो दराज पे, डेली बेसिस पे, अगर लिस्टिंग 5-6 की हो, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की हो, और ऐसे प्रोडक्ट्स हो जो मार्केट में बिकते भी हों, ठीक है। ये ना हो कि गर्मियों में आप लोग स्वेटर्स की और कोट्स की और जैकेट्स की कर दो लिस्टिंग, तो भाई नहीं बिकने, ठीक है, वो ट्रेंड के अकॉर्डिंग।
ये एक सिंपलेस्ट मेथड है कि सोर्सिंग आप कैसे कर सकते हैं। एक ये मेथड है कि आप करें इस तरीके से, या एक तरह की आपकी सोर्सिंग होगी कि आपका प्रोडक्ट आ कहाँ से रहा है। दूसरी सोर्सिंग क्या होती है जी, कि आप किसी भी होलसेल शॉप से या ऐसे मार्केट से जहाँ पे वो चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं, प्रोडक्ट लाए अपने घर रख लें, जैसे ही ऑर्डर आते हैं प्रोडक्ट को बेचें। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपका जो पैसा होता है, इनकेस जो प्रोडक्ट आपने लाना है, चाहे 100 पीस ही क्यों ना लाएं किसी प्रोडक्ट के, लेकिन उस 100 पीस पे जो आपका पैसा लग रहा है, आपको दराज पे नहीं पता होता। चाहे एक दिन में सारे प्रोडक्ट बिक जाए, शायद पूरा साल ना प्रोडक्ट बिके, दराज है, अमेजोन नहीं है, तो वो जो आपका पैसा होता है उस पर डाउट होता है यार, अगर प्रोडक्ट ना बिके तो सारा पैसा डूब जाएगा। चाहे 5,000 ही क्यों ना लगो यार, लगा तो है ना, डूब जाएगा। अगर इनकेस बिक गया तो फायदा हो जाएगा, ये रिस्की काम हो जाता है थोड़ा सा। तो एक ये मेथड है कि आप लोग स्टॉक ला के घर रख दें, और इसमें डिलीवरी खुद करनी होती है। FBB कुछ शहरों में है, इस्लामाबाद में है, पिंडी में है, और उसके बाद कराची में है, फैसलाबाद में है, ठीक है, और लाहौर के कुछ इलाकों में है। सिर्फ इन जगह FBD स्टैंड फॉर फुलफिलमेंट बाय दराज, ये FBD इन इलाकों में सर्विसेज दे रही है। बाकी सरगोधा में या डिफरेंट सिटीज में ट्रामा हाउसेज हैं, दराज के ट्रामा हाउसेज हैं। उनमें क्या होता है कि जैसे ही आपको उनके साथ आप लोगों का डील डन हुई होती है, वो आपके लिए डिलीवरी मैन काम करते हैं। जैसे ही आपके पास ऑर्डर आता है, आप लोगों ने वो लिफाफे लिए होते हैं दराज से जी, पैकिंग वाले प्रोडक्ट पैक करते हैं, ट्रामा हाउस पे छोड़ देते हैं एड्रेस के साथ, और खुद डिलीवर करता है, अमाउंट वगैरह लेता है आप लोगों के साथ, हिसाब क्लियर कर लेते हैं, ये एज अ डिलीवरी मैन काम कर रहे होते हैं। लेकिन इनका डायरेक्ट दराज वाला काम, FBD वाला काम नहीं होता, ठीक है, ये एक सेवल इदारा समझ लें वो है, और वो बैठे हैं और वो दराज को सर्विस दे रहे हैं, किसान वो दराज को सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, ये होते हैं। इस तरीके से आप अपना प्रोडक्ट डिलीवर करवा सकते हैं। सेकेंड जो सोर्सिंग का बेस्ट है, और वो हर कोई तो नहीं कर सकता, वो डिफरेंट है, इनके साथ किसी की शॉप है तो अपने प्रोडक्ट को दराज पे लें, लिस्टिंग कर लें। दराज पे ऐसा सीन नहीं होता कि आप 1,000 पीस मंगवा के रख लें और वो सील आउट करें, नहीं। अगर इनकेस दराज पे करना भी है तो कुछ पीस लें, अदरवाइज जो सबसे पहला मैंने मेथड बताया कि किसी भी शॉप वाले के साथ डील डन कर लें। हाँ, सेल्स बढ़ गई, पेज रैंक हो गया, सेल्स आपको पता है कि हर महीने 500, 200, 300 सेल्स आ रही है, तो फिर प्रोडक्ट बेशक होल सेल में लेना शुरू कर दें, तो मार्केट में जाएं जहाँ सबसे सस्ता मिले, पूरे पूरे कॉटन उठा लें जी, क्योंकि पता है आपको सेल्स निकलने लगी। स्टार्ट में ये काम नहीं करना, सोर्सिंग स्टार्ट में चाहे किसी से पिक्चर्स मंगवा के वो अपलोड कर लें, लेकिन स्क्रीन शॉट नहीं हो, पिक्चर कैमरे की ही हो, ठीक है। ये मेथड था, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ थोड़ा सा, दराज पे देखते हैं। और ये दराज का डैशबोर्ड है, स्क्रीन शेयर है, विजिबल है स्क्रीन सबको, ठीक है। दराज की स्क्रीन आप लोगों के सामने है, इसमें डिफरेंट यहाँ पे कैटेगरीज आई हुई हैं सेम, और हर कैटेगरी में आगे सब कैटेगरीज हैं। आप लोगों ने अगर इनकेस कोई भी प्रोडक्ट ले दे तो यहाँ पे लॉग इन करें, और मोस्टली प्रोडक्ट जो सेल में आते हैं वो तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों को विजिबल होंगे, इस तरीके से आप लोगों के पास जस्ट फॉर यू, ठीक है, और यहाँ पे फॉर सेल कैटेगरीज, दराज माल, फ्लैश सेल, इस तरीके से आपको प्रोडक्ट्स नजर आ जाएंगे। यहाँ पे आप जाएं, जो प्रोडक्ट ट्रेंड में होगा वो विजिबल होगा, जिस पे सेल लगी होगी वो विजिबल होगा, ठीक है। अगर इन केस और किसी कोई कैटेगरी आप लोगों के माइंड में है तो उस कैटेगरी में से ले जाएं। लाइक मैं यहाँ पे जाता हूँ जी स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में, और स्पोर्ट एसेसरीज, फिटनेस गैजेट्स, आउटडोर रिक्रिएशन, रैकेट स्पोर्ट्स, टीम स्पोर्ट्स, शूज एंड क्लॉथिंग, सप्लीमेंट्स, एक्सरसाइज एंड फिटनेस। अब इनके अंदर भी फर्दर कैटेगरीज हैं। लाइक मैं रैकेट स्पोर्ट्स में जाता हूँ तो यहाँ पे देखें तीन तरह के हैं रैकेट्स, स्क्वैश के, टेनिस के या बैडमिंटन के, तो एक तरह की कैटेगरी चल रही है। मैं स्क्वैश में चला जाता हूँ कि स्क्वैश के रैकेट्स क्या है, तो अब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। ये मैनुअल है सारा काम। अब यहाँ देखें स्क्वैश की बॉल्स आ गई, ठीक है, जो लोगों ने ज्यादा की हुई है, ये रैकेट्स आ गया, ठीक है,
ये सिमिलर जिस तरह अमेजोन पे था उस तरीके से प्रोडक्ट यहाँ पे आप लोगों के सामने शो होने लग गए। अब सर यहाँ पे जैसे डिफरेंट अमेज़न पे जैसे आपने रिस्पांस रेट होता है, सर जैसे अमेज़न में जैसे रिस्पांस रेट होता है, इस तरह का रिस्पांस रेट यहाँ पे आते हैं दरास पे? जैसे अमेज़न होते हैं ना कि फॉल क्या में स्टॉक आउट हो जाता है, एक ब्रांड है फॉर एग्जांपल बेच रहा स्टॉक आउट हो जाता है, इस तरह का रिस्पांस यहाँ पे होता है दरास पे बेचने का? समझ नहीं गए मुझे। रैंकिंग जो आप बात करें, जो स्टार मिले होते हैं, जी हाँ वो होंगे, इसकी रैंकिंग है ऑब्वियसली। ऑनलाइन हो और जो चीज भी है, हर चीज की रैंकिंग होती है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे जाते हैं हम लोग। यहाँ पे देखें जी, आपने इस कैटेगरी में कितने हैं आपके, 106 आइटम्स हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें 106 आइटम्स हैं पाउंड में, यहाँ पे मतलब 106 सेलर बैठे हैं यहाँ पे इस कैटेगरी में, ठीक है। ये देखें जी, डाउनलोड स्क्वैश बॉल है, 350 की दे रहा है या दे रही नहीं है, इसके डिटेल पेज पे गए हम लोग। ये देखें जी, रेटिंग इसकी 2 है सिर्फ। अब 2 रेटिंग से मुराद मतलब इसकी सेल्स कम हुई है, क्योंकि इसके देखें सिर्फ 2 आंसर्ड क्वेश्चंस हैं, मतलब तो 2 ही रिव्यू में जिन्हें इसने आंसर किया है, ठीक है। और यहाँ पे इसका डिलीवरी एड्रेस, होम वगैरह ये सारा कुछ है, मतलब कि कहाँ से कर रहा है, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल, ये सर्विस दे रहा है। ये बेशक आप नहीं देना चाहते कैश ऑन डिलीवरी, न्याम दें बेशक, कोई मसला नहीं है। अगर देना चाह रहे हैं तो कैश ऑन डिलीवरी ये सर्विस है। ये ट्रामा हाउस के थ्रू अगर आप प्रोडक्ट भेज रहे हैं तो आप कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं, अदरवाइज बेशक एडवांस रखें कैश, कोई मसला नहीं। या सर्विसेज दे रहा है, 7 डे रिटर्न, प्राइस है इसकी, ब्रांड नेम वगैरह, क्वांटिटी, यहाँ से ये सिलेक्ट करने के लिए बायर के लिए होता है, ठीक है। और यहाँ पे इसने सिर्फ इमेजेस 2 ही लगाई हैं, कुछ ज़्यादा नहीं लगाई, और दोनों भी तकरीबन एक जैसे ही है, सेम इमेजेस लगा दी। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया आपका प्रोडक्ट चल जाएगा, मसला नहीं है, लेकिन अच्छा करेंगे तो ऑब्वियसली अच्छा चलेगा। अब यहाँ इसने सिर्फ 2 लगाई हैं, अभी तक खुद अंदाजा लगे, रेटिंग इसकी सिर्फ 2 है, 2 रिव्यू आए हैं, स्टार इसके पास 5 है, 4 फुल है, लेकिन रेटिंग इसकी जो है वो सिर्फ 2 ही है। और यहाँ पे देखें जी, इसके प्रोडक्ट डिटेल में, के प्रोडक्ट की डिटेल बता रहा है, एसकेयू बता रहा है, ब्रांड, डाउनलोड मॉडल वगैरह सारा कुछ, उसकी फर्दर डिटेल आ गई। रेटिंग इसकी देखें 5 out of 5 है, और सॉरी रैंकिंग और रेटिंग इसमें सिर्फ 2 दी है, नाइस एंड गुड। एक ये इसका रिव्यू आया हुआ है, और नीचे इसके जो क्वेश्चंस आए थे, क्वेश्चंस क्या थे जी, जिन जो क्वेश्चंस आए थे उनमें से इसने 2 का आंसर दिया हुआ है। डू यू हैव लॉन्ग टेनिस बॉल, और दिस आल्सो यूज फॉर लॉन्ग टेनिस, नीचे इसने रिप्लाई किया हुआ है, ये क्वेश्चंस आए हैं, और बस ये सिमिलर प्रोडक्ट्स आ गए। ये चीज़, ये सिर्फ दराज का इतना सा काम है, बस बिल्कुल सिंपलेस्ट है, सारी बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये हर आप पे डिपेंड करता है, इसमें कोई गाइडलाइन, कोई किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। मैनुअली आपने क्या करना है, प्रोडक्ट का देखना है कि यहाँ पे क्या है। अब इसकी सेल्स वगैरह देखें जी, इसकी मंथली सेल्स खुद देख लें जी, कितनी है। रेटिंग 2 है, रिव्यू सिर्फ 2 है, और यहाँ पे देखें जी, पॉजिटिव सेलर रेटिंग 66 है, शिपिंग शिप टू टाइम है जी 66%। स्टोर विजिट करते हैं जी, दो में लोडिंग हो रही है। ये देखें जी, इसका होम पेज आ गया, ये ब्रांड है एक एसबी स्पोर्ट्स का। अब इसने देखें कितनी लिस्टिंग की हुई है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये से ने अपना एक बनाया हुआ स्टोर सेलर सेंटर। इस तरीके से आप लोग डिफरेंट लिस्टिंग्स कर सकते हैं। अगर हम टूल की तरफ आए यहाँ पे, ऑब्वियसली मैनुअली अगर हम एक एक को चेक करने बैठ जाए तो फिर तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो वो उसके लिए क्या हमारे लिए हेल्प आउट है, वो टूल जो आया है वो थोड़ी बहुत हमें हेल्प आउट कर देता है, कि हमें मैनुअली सारी चीज़ें चेक करने के बजाय बस तो एक सिंगल क्लिक के बदले हमारे सामने सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। जर्विस टूल का नाम है, आप लोगों ने क्या लिखना है यहाँ पे, जर्विस
ठीक है, यहाँ देखिए पहली वेबसाइट है jarvis.pk की, दरविस द्रार प्रोडक्ट हंटिंग टूल है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे, इसके जो मेरी लास्ट वाली थी आईपी वो कम हो चुकी है, रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर नाउ आप लोगों ने करना है, साइन अप पर क्लिक करना है। ठीक है, दोनों सेम चीजें हैं, साइन एक ही बात है दोनों पे। अगर यहाँ पे आप लोगों ने करना है तो न्यू अकाउंट नीचे आ रहा था, क्रिएट न्यू अकाउंट। न्यू अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको अपना नेम देना पड़ेगा, ईमेल देना पड़ेगा और पासवर्ड दे करना पड़ेगा। जकरिया आप अपना वो बताएं काइंडली, ईमेल। हाँ जेड के आ रही है। RIA नहीं RIA, बताना जहाँ ईमेल हाँ ईमेल बताना ही। लेटर के आ रहा है ये RIA हाँ RIA, मतलब सर MU MUDA ठीक है। RIA 125। ठीक ठीक है, थैंक यू। पासवर्ड आप लोगों ने लिखने, पासवर्ड में तीन चीज़ें लाजमी हैं कि उसमें अपर एंड लोअर केस भी हो, ठीक है, और उसमें नंबर्स भी हो, उसमें स्पेशल करेक्टर भी हो और लोअर केस भी हो। ठीक है, जकरी आपके पास ईमेल आई होगी, ठीक है, काइंडली उस पर एक्टिवेट का ऑप्शन होगा, उस मेल में एक्टिवेट कर दें उसे। इस तरीके से आप लोगों ने इस पर साइन अप कर लिया, लेकिन जिस हीलियम में था जैसे साइन अप करते थे आप लोगों के सामने डैशबोर्ड आ जाता था, इसमें आप लोगों के सामने डैशबोर्ड नहीं आएगा उस वक्त तक जब तक आप लोग एक्टिवेट ना कर दें। अब ईमेल में जाके ईमेल ओपन करके एक्टिवेट करना पड़ेगा, एक्टिवेट करने के बाद ही ये आपका यहाँ पे डैशबोर्ड ऑन होगा। जकरिया एक्टिवेट करके बताना। सर इसमें पासवर्ड जीमेल वाला ही डालना है नहीं, या दूसरा पासवर्ड आप पासवर्ड अपने डालना मर्जी होगा? का डालेंगे, कोई भी पासवर्ड। अलग, हाँ जीमेल वाला ठीक है पासवर्ड नहीं ठीक। डालना, ठीक है, वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं डालना। वेरीफाई हो गया था जी? चले मैं देखता हूँ। जी एक्टिवेट करने के बाद जब आप अगेन साइन इन करेंगे पेज रिफ्रेश करके, उसके बाद आप लोगों के सामने ये देखें
आया दराज पाकिस्तान, दराज श्रीलंका, दराज नेपाल और दराज बांग्लादेश। ऑब्वियसली अब हम पाकिस्तानी हैं तो हम दराज पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे, बाकी जो जिस कंट्री में है वो अपने रिस्पेक्टिव मार्केट प्लेस को सिलेक्ट कर लेगा। जी ये आप लोगों का जर्विस टूल है जो दराज के लिए हम यूज करते हैं। ये इसका डैशबोर्ड है, साइड पे देखें तो थोड़ा बहुत हमारा हीलियम का जंगल स्कॉट वायरल लॉन्च से रिजेम्बलेंस होती है इसकी थोड़ी बहुत। इसमें प्रोडक्ट ट्रैकर है, प्रोडक्ट डेटाबेस है जो प्रोडक्ट रिसर्च के लिए यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट रैंकिंग देखने के लिए इसमें कीवर्ड रिसर्च और सुपर रैंक है, ठीक है, और एंड पे प्रॉफिट कैलकुलेटर। देखिए ये चीजें हैं। अब हम अगर प्रोडक्ट डेटाबेस देखें तो प्रोडक्ट डेटाबेस का आप लोगों को पता है हम प्रोडक्ट डेटाबेस क्यों यूज करते हैं। हम अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए प्रोडक्ट डेटाबेस यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखें जी पाकिस्तान में लास्ट जो हमने पढ़ा जब मैंने आप लोगों को क्राइटेरियाज करवाए डिफरेंट मार्केट प्लेसेस के यूएसए यूके वगैरह के, तो तब आप लोगों को आइडिया नहीं था मार्केट प्लेस का, तब आप लोगों को ये नहीं पता था कि मार्केट प्लेस में किस तरह की प्राइसेस होती हैं, सोर्सिंग किस तरह की होगी, ठीक है, कितने प्रॉफिट जनरेट करने हैं। गेम डॉलर्स में थी, वहां पे मैंने क्राइटेरिया की गाइडलाइन आपको दी। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे आप लोगों को मार्केट का भी अच्छे तरीके से पता होता है, फिर जो सोर्सिंग आप लोगों ने करनी है सोर्सिंग का भी आप लोगों को पता होगा, अंदाजा होगा कि हम जहाँ से सोर्सिंग कर रहे हैं वो कितने में पड़ रही है, फिर लिस्टिंग का भी पता चलेगा सेम इस प्रोसीजर से कि आप जो प्रोडक्ट मार्केट में कितने का बिक रहा है, डिफरेंट सेलर्स की प्राइस देख के उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या करेंगे अपनी सेलिंग प्राइस सोर्सिंग प्राइस के अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट मद्देनजर रखते हुए एक प्राइस माइंड में रखेंगे किस प्राइस पे मैंने सेल आउट करना है अपना प्रोडक्ट। अब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप प्रोडक्ट डेटाबेस की फिल्टर यूज करेंगे। इसमें आप लोगों ने क्या करना है मिनिमम प्राइस मैक्सिमम प्राइस ऐसे प्रोडक्ट ढूंढने जिनकी मिनिमम प्राइस कितनी हो मैक्सिमम प्राइस कितनी हो, ये उस मकसद के लिए जब आपको प्रोडक्ट का आइडिया ना हो, ठीक है। जब प्रोडक्ट का आइडिया ना हो तो यहाँ मैं सिलेक्ट ऑल कैटेगरीज करता हूँ। प्राइस आप लोगों ने अपनी मर्जी से मैंशन करनी है, लाइक मैं कर देता हूँ जो हो 100 से मैक्सिमम 170 तक। अच्छा इतनी प्राइस यहाँ पे चलेगी नहीं क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन आपका बहुत कम हो जाएगा 500 तक मैं कह रहा हूँ, क्योंकि प्राइस यहाँ पे आप कम रखेंगे 100 से 200-250 तक तो फिर आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई चीज आपको पड़ रही है 150 की 200 की बेचे तो 50 रुपए प्रॉफिट मार्जिन। वही चीज अगर मार्केट में 500 की बिक्री है और बेशक सोर्सिंग आपको 50 रुपए की हो रही है 450 का प्रॉफिट होगा, तो यहाँ प्राइस में 500 मेंशन कर रहा हूँ, या फिर बेशक मिनिमम प्राइस मेंशन ना करें मैक्सिमम कर दें, बेशक मिनिमम रिव्यूज मैक्सिमम रिव्यूज, यहाँ पे ज्यादा रिव्यूज नहीं होते दराज पे, ज्यादा रिव्यूज नहीं होते 5, 20, 10, 15, ठीक है, हद 50, 60, 100, इससे ज्यादा रिव्यूज यहाँ पे नहीं होते, तो आप मैक्सिमम रिव्यूज यहाँ पे 60-50 कर लें जो मर्जी, ठीक है, अपने बजट के अकॉर्डिंग। रेटिंग ऑब्वियसली यहाँ पे मिनिमम जो है 4 चाहिए, 4 से अबव रेटिंग वाले प्रोडक्ट चाहिए। मिनिमम डेली यूनिट मैक्सिमम डेली यूनिट सोल्ड, ठीक है, आपके मिनिमम कितने यूनिट सेल आउट होने चाहिए डेली बेसिस पे वो करना है, तो मिनिमम जो सेल्स हो वो 10 हो, मैक्सिमम जितनी मर्जी हो जाए, ठीक है। LQS है, ठीक है, लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर होता है वो मेंशन करने की जरूरत नहीं है। मिनिमम एज मैक्सिमम एज, जो मिनिमम मैक्सिमम एज है जो प्रोडक्ट की वो मंथ्स में लिखनी है तो वो 24 मंथ्स हो, मतलब 2 साल से पुरानी लिस्टिंग ना हो, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने कम्पीट नई ट्रेंड के अकॉर्डिंग करना होता है। दराज है, बहुत बड़ी मार्केट प्लेस होती है तो फिर वापस 2 साल 5 साल 6, ठीक है, हम देखते हैं कि ठीक है जो इतना पुराना बैठा है वो स्टेबल बैठा है। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होते हैं हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग चला रहे होते हैं, यहाँ पे पता होता है कि साल साल दो दो साल प्रोडक्ट स्टॉक रखने का फायदा नहीं है क्योंकि ज्यादा आउटकम नहीं होती, ठीक है। और फुलफिलमेंट पे दराज वाला प्रोडक्ट भी हम ढूंढेंगे, दराज माल जिसे मैंने ट्रामा हाउस बोला था हम वो भी ढूंढेंगे, उन्हें भी लेंगे दोनों को, और यहाँ पे क्या करेंगे इंक्लूड कीवर्ड एक्सक्लूड कीवर्ड अगर कोई करना चाह रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे हम सिंपल सर्च करेंगे मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे क्या कह रहा है जी रेटिंग में, अच्छा मैक्सिमम 5 में हम लोग, अच्छा 400
हो गई थी रेटिंग, चार लिखनी थी। सर्च करेंगे सेम प्रोडक्ट डेटाबेस है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने रियलिस्टिक होके मार्केट को मद्देनजर रख के अपना क्राइटेरिया बनाना, प्रोडक्ट जो आपके माइंड में आता है उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर एक प्रोडक्ट का आइडिया आता है तो सिंपल उस प्रोडक्ट का नाम लिखें यहाँ पे और उस प्रोडक्ट पे एनालिसिस कर लें। डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, बाकी लोडिंग भी चल रही है। इस तरीके से आप लोगों के सामने प्रोडक्ट्स आएंगे, ठीक है, जिस तरीके से ये आए हैं। अब इस प्रोडक्ट में इसने क्या क्या बता दिया, रेटिंग उसकी यहाँ ऊपर टॉप पे कि वन रेटिंग है उसकी, ठीक है। उसके बाद उसके मतलब जो अवार्ड्स वगैरह जो सेल्स आउट की है वो, ठीक है। देन एस के यू उसका, ये उसका एस के यू है, उसकी कैटेगरी, उसका ब्रांड, सेलर कौन है वो, रिव्यू क्या है, रेटिंग क्या है वो, कोई क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ, शिपिंग जो इसे डिलीवरी चार्जेस ले रहा है वो 69 है, प्राइस कितनी है 199 है, लिस्टिंग एज कितनी है 1.6 ईयर है, सेल्स उसके ये क्या कॉन्फिडेंशियल है मतलब जीरो है, तो यहाँ पे रेवेन्यू भी जीरो है, मतलब इसे 1.5 साल हो गया और इसका प्रोडक्ट सेल ही नहीं हुआ, अंदाजा लगा लें। ऊपर वाले का भी सेल नहीं हुआ, उससे ऊपर वाले का भी सेल नहीं हुआ, उससे ऊपर वाले का भी नहीं, क्यों ऐसा क्यों होता है? ये क्या करते हैं जी, ये प्रोडक्ट लगाया और एड्स वगैरह रन नहीं किए, बस प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर दी, जान छुड़वा ली। प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करके जान छुड़वा लेने के बाद वो कहते हैं खुद ही सेल्स आएंगी, या खुद ही सेल्स नहीं होती, आप पीपीसी नहीं रन कर सकते तो बाकी फेसबुक पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप में आप लोगों को कंपेन चलानी पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ इसका देखें जी, ये ज्वेलरी का नॉर्मल नेकलेस है, ठीक है, ये वाले नॉर्मल जो सिंपली आसानी से आपको 150-200 रुपए के मिल जाएंगे, ये वाले बहुत कॉमन है आजकल, इसका देख लें 375 में सेल आउट कर रहे हैं, रिव्यू 29 है, रेटिंग 29 है, सेल्स पर यूनिट मंथ इसके कितने हुए हैं जी, 2003 से 2005 तक इतने मतलब इसके अप्रोक्सीमेटली सेल्स हुई है, और रेवेन्यू इसने कितने इकट्ठा किया जी, 7,51,875, वाह अच्छा खासा रेवेन्यू इसने जनरेट कर लिया, सिंपल सा प्रोडक्ट है, लेकिन इसने इसके लिए एड्स भी रन किए होंगे। लिस्टिंग इसकी देख लें जी कब है, 2.2 मंथ्स अगो, ठीक है, मतलब 2 महीने 2 दिन पहले, 2 महीने में इसने इतना जनरेट कर लिया। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन कि आप कितनी एड्स वगैरह चला रहे हैं। इसका देखें जी 55,000 इसका रेवेन्यू है। प्रोडक्ट क्या है, ये जो टेबल्स वगैरह या कॉर्नर्स पे लगाने के लिए ताकि इंजरी वगैरह ना है, स्वेयर इंजरी ना है, तो यहाँ पे देख लें जी, इसे भी 2.5 माह नहीं हुए अभी तक और 55,000 पे इसने भी टर्नओवर कर लिया है। इसे देखें जी 6,41,000 का टर्नओवर किया है। फर्नीचर डिकोर है ये कंपनी है। प्रोडक्ट क्या है, 1 PC LED लैंप LED लैंप है ये, ठीक है। ये मास्क देखें जी 2,37,000, मतलब डिफरेंट यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं ऐसे जिनमें पोटेंशियल है। तो अब यहाँ पे इसे मैं कर रहा हूँ ऐड टू ग्रुप ट्रैकिंग लिस्ट कर रहा हूँ मैं, इसकी लिस्ट इसके मैं फर्दर डिटेल लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पहले फाइंड आउट करके मैं ट्रैकिंग लिस्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आएगा पहले क्रिएट अ न्यू ग्रुप, मैं न्यू ग्रुप बना रहा हूँ यहाँ पे। न्यू ग्रुप बनाने के बाद, ठीक है, ये प्रोडक्ट ट्रैकर में जाके पहले ग्रुप बनाएंगे फिर ऐड होगा प्रोडक्ट। ये सारा प्रोसीजर होगा, यहाँ से आप लोगों ने मैनुअली चीजें चेक कर लेनी है, ठीक है। जो प्रोडक्ट पसंद आएगा ऑब्वियसली उससे क्या करना है, यहाँ प्रोडक्ट पहले इसका थोड़ा सा यहाँ पे हो जाता था, प्रोडक्ट ट्रैकर में जाते हैं। प्रोडक्ट ट्रैकर क्या काम करता है, लिटिल बिट एनालिसिस करता है आपके उस प्रोडक्ट की डिटेल इंफॉर्मेशन देता है आपको। ऐड टू ग्रुप, पहले यहाँ पे ग्रुप नेम ऐड करेंगे कोई भी, लाइक मैं कर देता हूँ ज्वेलरी है,
ठीक है। ओके करता हूँ, पहले ग्रुप बनाया, ग्रुप बन गया। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करना है, ठीक है, प्रोडक्ट ऐड करना है। तो वो मैं प्रोडक्ट डेटाबेस, ग्रुप बन गया मेरा एक, वो मैं प्रोडक्ट डेटाबेस में जाके ग्रुप जो मैंने प्रोडक्ट लेने हैं अब इस ग्रुप में मैं सेंड कर सकता हूँ, ठीक है, ट्रैक कर लूंगा। अगर मैं ग्रुप में ऐड कर देता हूँ तो इजीली ट्रैक हो सकेगा। लाइक मैं फॉर एग्जांपल इसको ट्रैक करना चाह रहा हूँ, तो इसे मैं यहाँ से ऐड करता हूँ, ज्वेलरी वाले में ऐड करता हूँ, ये ऐड हो गया, ये ऐड सक्सेसफुली। अब मैं प्रोडक्ट ट्रैकर में जाता हूँ और यहाँ पे जाके मेरा वो प्रोडक्ट आ जाएगा ऑटोमेटिकली। इस ग्रुप में ये ज्वेलरी वो प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। उस प्रोडक्ट का ये जो सारी इंफॉर्मेशन थी कि दीज आर एवरेज स्टार्ट स्टैट्स ऑफ द प्रोडक्ट इन दिस ग्रुप, प्लीज मेक श्योर दैट एड सिमिलर प्रोडक्ट्स इन द ग्रुप टू गेट मोर एक्यूरेट स्टैट्स। अब यहाँ क्या करना है, ये जो एक सेलर है, ये अब एक क्या है, एक जो मैंने लिया कैटेगरी ली है उसमें एक सेलर के मैंने स्टैट्स को ऐड किया, ट्रैक टू लिस्ट किया है। सिमिलरली सेम जो सेलर होंगे मेरे उस मार्केट प्लेस में, जो टॉप सेलर बैठे होंगे, मैं उन टॉप 10 को या टॉप 20 को या टॉप 15 को या टॉप 5 को, जितने सेलर होते हैं उनको मैं ऐड करके स्टैट्स लूंगा। उन 10 के 10 आएंगे, फिर मैं वहां पे कंपेयर करूंगा कौन सा अच्छा कौन सा बुरा है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग क्या करते हो, एड ट्रैकर के थ्रू अपना कंपिटिटर एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट पड़ा था SKU कैटेगरी वगैरह सेलर वगैरह, शिपिंग 119 है, रेवेन्यू इसका 0 है, प्राइस इसकी 5,310 है, कुछ भी नहीं है, हर चीज 0 है, तो इसलिए इसकी ट्रैकिंग भी सही नहीं है। अब जब मैं फर्दर जाता हूँ मेन इसकी मार्केट में और वहां से डिफरेंट 10-12 सेलर्स को ऐड करता हूँ, फिर मैं इस पे करता हूँ, तो फिर ये जो स्टैट्स है ऊपर, प्राइस कितनी है इसकी, रेटिंग क्या है, रिव्यूज कितने हैं, एलक्यूएस क्या है, सेल्स कितनी है, रेवेन्यू कितना है, सोर्सिंग प्राइस, दराज, कमीशन, वैट, टोटल डिटेक्शन प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, ये सारी जो इंफॉर्मेशन ऊपर है, कितने कॉलम है, 3, 6, 12, ये जो 12 बॉक्सेस हैं इनमें इंफॉर्मेशन आ जाती है। लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट्स 10 से 12 ऐड करता सेम कैटेगरी के, तो ये प्रोडक्ट डेटाबेस और प्रोडक्ट ट्रैकर ऐसे काम करते हैं। जो कीवर्ड KW रिसर्च है, KW रिसर्च आपका कीवर्ड रिसर्च है बेसिकली, KW रिसर्च आपका कीवर्ड रिसर्च है, जो कीवर्ड आप यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहें। लाइक मैं कहता हूँ रिस्ट वॉच, रिस्ट वॉच करके सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग मेरे पास कीवर्ड्स आ जाएंगे। कीवर्ड्स यहाँ पे देख लें जी, आ गया जी रिस्ट वॉच, और साथ उनके ग्राफ भी आ गया कि ये रिस्ट वॉच का ग्राफ कैसा है, वो भी देखें कि अच्छी फ्लक्चुएशंस है और टच कर रहा है 48-50, और यहाँ पे रिसेंटली गया था 2020 में 100 तक भी, ये 100 तक परसेंटेज दे रहा है कि इसका सर्च वॉल्यूम कितना है। जो बेस्ट कीवर्ड्स हैं जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा है वो टॉप पे आ रहे हैं, और इस तरीके से आप इधर से कीवर्ड्स ले सकते हैं। नीचे फर्दर देखें तो यहाँ पे डिफरेंट आ गए, अगेन ज्यादा सारे कीवर्ड्स आ गए हैं। अब इनमें हर कीवर्ड के सामने बता रहा है कि हर कीवर्ड पे लिस्टिंग कितनी हुई है, मतलब ये कीवर्ड कितनी लिस्टिंग में यूज हुआ हुआ है वो बता रहा है। देखें ये लिस्टिंग्स बता रहे हैं, इससे हमें क्या अंदाजा हो जाता है कि इस कीवर्ड पे सेलर कितने बैठे हैं, ये 2,72,000, ठीक है, 76,000, 2,71,000, मतलब सेलर बहुत ज्यादा बैठे हैं एक सिंगल कीवर्ड पे। अब जरूरी नहीं है कि इसके जो कीवर्ड्स पे बैठे हैं वो 2,72,000 हैं तो नीचे वाले के अलग हैं, नहीं, क्या पता ये कीवर्ड भी इन ऊपर वालों ने यूज किया हो अपने लिस्टिंग में, क्योंकि कीवर्ड्स तो बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं, बेसिकली टोटल सेलर इतने नहीं होने, लेकिन ये कीवर्ड हर किसी ने यूज किया हो तो मे बी डेट्स वाई इस तरह हो रहा होगा कि हर कीवर्ड के ज्यादा ज्यादा सेलर आ रहे हैं। एवरेज प्राइस, इस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है इस कीवर्ड पे वो बता रहा है, साथ एवरेज रेटिंग बता रहा है कि इस कीवर्ड पे एवरेज रेटिंग क्या है, एवरेज रिव्यूज क्या है, वो आप लोगों के सामने आ रहे हैं। FBD सेलर कितने हैं, 0 और 1 एंड पे 2। दराज मार्ट सेलर कितने हैं जी, 8, 2, 3, 2, 2, 2, 11। ओवरसीज सेलर जो हैं, फॉरन सेलर जो हैं, वो भी 6 हैं, 2 हैं, 2 हैं, 6, तो डिफरेंट यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, FBD, दराज मार्ट सेलर, ओवरसीज सेलर। एवरेज सेल्स इस कीवर्ड पे कितनी सेल्स हो रही है वो बता रहा है, बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये कीवर्ड रिसर्च थी। एंड पे क्या है जी, आपका प्रॉफिट कैलकुलेटर है। प्रॉफिट कैलकुलेटर क्या आपको करता है जी, आपका प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताता है कि आप कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं।
जी यहाँ पे देखें जी, कैटेगरी आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेनी है अपनी। कैटेगरी हम लोगों ने कौन सी यहाँ पे की थी, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की अगर देखें तो स्पोर्ट्स एंड वॉचेज एंड सन ग्लासेस ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। प्रोडक्ट सेल प्राइस किया है जी, मैं कहता हूँ 500 रुपये। ठीक है, डिलीवरी चार्जेस कितने हैं जी, 69 रुपीज़। चार्ज 69, 70, 59 या 100 इतना ही होते हैं। सोर्सिंग कॉस्ट या होलसेल परचेजिंग प्राइस कितनी है जी, मुझे पड़ी है ये 300 रुपए की। लेट्स सपोज फ्लायर प्लस पैकिंग प्लस मिस कॉस्ट, ठीक है, ये सारी चीजें मिला के फ्लायर जो एक आप लिफाफा लेंगे उसकी पैकिंग कॉस्ट, उसकी मिस कॉस्ट जो है दराज माल वाले लेंगे वो मुझे पड़ी है 10 रुपए। और नीचे जी जनाब, यहाँ पे टॉप कंपिटिटर एवरेज सेल्स, यहाँ पे वैट, ठीक है, वैल्यू एडिड टैक्स गवर्नमेंट की तरफ से लगता है 15% वो जरूरी है। पेमेंट हैंडलिंग फीस दराज 2.5 या दराज माल लेगा। रेफरल फी जो आप दराज सेल, और दराज पे लिस्टिंग के सेलर सेंटर के कोई चार्जेस नहीं है, अमेजोन के थे, दराज के नहीं है। तो यहाँ रेफरल फी जो है वो 1.25 रुपीज होगी पर प्रोडक्ट। ये मैं कैलकुलेट करता हूँ, कैलकुलेट करने के बाद जी मेरे पास आया, यहाँ पे कमीशन बता रहा है मुझे कि 86 रुपीज है। पेमेंट हैंडलिंग फीस जो 1.25% है वो 6 रुपये बन रही है। रेफरल फी भी 6 रुपये है। वैट जो है 15% वो 25 रुपये बन रहा है। टोटल जो चार्जेस पर यूनिट वो 124 रुपया, मतलब जो खर्चा टोटल आ रहा है वो 124 रुपये आ रहा है। नेट प्राइस जो है वो 376 बनी गई। प्रोडक्ट कॉस्ट 310 पर यूनिट। प्रॉफिट जो है वो 66 है। अगर इन केस वो 66 को कर रहा है कि प्रोडक्ट अगर ज्यादा हो तो उसका जो रेवेन्यू है वो ये आता है। इस तरीके से आपको ये सारी इंफॉर्मेशन बता रहा है। अगर टॉप पे देखें 300 यूनिट्स का ये बता रहा है। इन्वेंट्री परचेज अगर 300 यूनिट हो तो क्या है, 100 हो तो क्या है, ठीक है। प्रोडक्ट दोनों वे में कर रहा है, या गिव अवेज भी दे रहा है, ठीक है। ब्लीडिंग कॉस्ट डू गिव अवेज पर रैंकिंग रिव्यूज ऑन ब्रेक इवन प्राइस फॉर 10 डेज। ये भी कह रहा है कि अगर इन केस आप 10 दिन के लिए ये गिव अवेज करते हैं 100, तो फिर आपको कितना हो सकता है लॉस वगैरह, कितना वगैरह रिक्वायरमेंट्स होगी, वो सारा कुछ यहाँ पे बता रहा है। अगर यहाँ पे करो ये प्रॉफिट मार्जिन, ये जो प्रॉफिट कैलकुलेटर है एग्जैक्ट 100% एफिशिएंट नहीं होता, ये सिर्फ आइडिया देता है आपको कितना बजट कितना कुछ बच सकते हैं। प्रॉफिट आपको दे रहा है कि आपको 22% प्रॉफिट दे रहा है इस प्रोडक्ट में से। और आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि आप जितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, बदले में कितना बच रहा है, 10 रुपये बच रहे हैं, तो इट्स मीन आपका प्रॉफिट 10 रुपये है, ठीक है। आरओआई आपका 10% होगा। अगर 100 के बदले 50 बच रहे हैं तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 50% होगा। 100 के बदले 100 बच रहे हैं तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका 100% होगा। ये बताता है कि आपने कितना इन्वेस्ट किया, कितना आपको रिटर्न होने हैं, ठीक है। ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था, और ये प्रॉफिट मार्जिन, ये बिल्कुल बेसिक चीज है कि आप लोगों को बताता है कि किस तरीके से कितना प्रॉफिट आपका, कितना टैक्स लग रहा है, कितनी रेफरल फी लग रही है, कितना पेमेंट हैंडलिंग फी लग रही है, बाकी सारा खुद आप लोगों ने कैलकुलेट खुद करना है। सोर्सिंग प्राइस आप लोगों को पता है, सारी चीजें पता है, यहाँ से रेफरल फी वगैरह का, ठीक है, चार्जेज वगैरह पता चल जाए तो आप इजीली अपना प्रॉफिट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था दराज हमारा, बिल्कुल आसान था, बिल्कुल सिंपल था। अब दराज पे जो मैंने इजीएस्ट वर्किंग मेथड बताया वो यही बताया कि आप किसी भी शॉप पे जाएं, वहां से लिस्टिंग्स लें और प्रोडक्ट्स लें, उनकी इमेजेस लें, लिस्ट करें और सेल आउट करें। इसमें आप प्रोडक्ट कौन से सेलेक्ट कर सकते हैं, ज्वेलरी के कर लें जिनमें सेल्स ज्यादा होती हैं, ज्वेलरी के प्रोडक्ट कर लें, ये बॉडी स्प्रे, रिस्ट वॉचेस, ठीक है, हैंड फ्रीज, एयरपोड्स, ठीक है, एलईडी लाइट्स वगैरह, ठीक है, उसके बाद डेकोरेशन, हाउस डेकोर, होम डेकोर की जो चीज़ होती हैं वो कर लें, ठीक है, और सन ग्लासेस वगैरह। फीमेल्स में से अगर फीमेल प्रोडक्ट में मेकअप किट्स वगैरह आ जाती हैं, ठीक है, उसके बाद अगर आप क्लॉथिंग वाली साइड है तो फीमेल की क्लॉथ्स वगैरह की भी आप लोग लगा सकते हैं इजीली,
ये ऐसी चीजें हैं जिनकी सेल्स आपको ज्यादा मिलेंगी, ठीक है। अगर हाँ यहाँ पर अगर आप कहते हो मैं ओवन लगाऊं, रेफ्रिजरेटर लगाऊं, ऐसी चीजें लगाऊं, तो फिर वो नहीं मिलती इतनी आसानी से, उनकी सेल्स नहीं मिलती, जीरो जीरो रहते हैं। उसके बाद अगर लगाने के बाद सिंपल उस प्रोडक्ट का यूआरएल कॉपी करें और डिफरेंट ग्रुप्स में फेसबुक पे जाकर उस यूआरएल के पोस्ट के साथ पेस्ट कर दें, लोग खुद ऑटोमेटिकली आपके पेज पे आएंगे, विजिट करेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे, आपकी रैंकिंग होगी, रैंकिंग होगी तो टॉप आएंगे, जैसे टॉप आएंगे तो इंशाल्लाह सेल्स शुरू हो जाएंगी। इस पे सेलर सेंटर बनाने के चार्जेस नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट जब बिकेगा तो उसकी रेफरल फी है, जो सेल होगी तब आपसे लिए जाएंगे, और कुछ नहीं इसमें। ये था हमारा दराज आज, आप लोगों का सर यही। जी 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 सर, ये ट्रैक लिस्टिंग जरा रिपीट कर दें, ग्रुप क्रिएट करना। ग्रुप क्रिएट करना, जो जो मैं लिस्टिंग का भी बोला है जी बिल्कुल, ये प्रोडक्ट ट्रैकर पे मैंने, ये जो जी जी मैंने अभी ये बोले हैं, ये अल्फाज थे मेरे, कि आप जब यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं तो उसका यूआरएल कॉपी करके फेसबुक के डिफरेंट ग्रुप्स में पेस्ट कर दें, ऑटोमेटिकली लोग उस यूआरएल के थ्रू तो आपके प्रोडक्ट को विजिट करेंगे। तो जी नहीं सर, मैं जैसे विजिट करेंगे, जी सर, ये प्रोडक्ट जी पूछिए डेटाबेस में आप। है। जब जी प्रोडक्ट डेटाबेस में जब हम जाते हैं, कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं, उसे फिर ट्रैक लिस्टिंग जो इसमें ऑप्शन है रेड कलर का, इस पे जाते हैं, क्रिएट न्यू ग्रुप में लिखते हैं, ये कैसे ऐड होता है ये जरा रिपीट कर लें 1 मिनट में। रुक के मैं कर देता हूँ। प्रोडक्ट डेटाबेस में जाके जब आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेने हैं, अंदाजा हो जी गया, या पेस्टेड पहले प्रोडक्ट ट्रैकर में जाके यहाँ पे ऊपर टॉप पे आ रहा है ऐड ग्रुप, जी ठीक है, लोडिंग चल रही है, ऊपर टॉप पे आ रहा है ऐड ग्रुप, ये यहाँ पे ऐड ग्रुप पे करेंगे, यहाँ पे ग्रुप का नाम लिख के एंटर क्लिक कर देने, जैसे एंटर करेंगे आपका ग्रुप बन जाएगा, ये ज्वेलरी बन गया। अब इस ज्वेलरी में मैंने एक प्रोडक्ट ऐड किया हुआ था, वन, ठीक है, जी आप लोगों के सामने एक ही प्रोडक्ट ऐड किया तो यहाँ एक आ गया, अगर यहाँ जितने ऐड करेंगे वहाँ नंबर आ जाएगा। अगर एक और ऐड आप करना चाह रहे हैं या एक और ग्रुप ऐड करें उसमें प्रोडक्ट्स ऐड कर लें, या जितने ग्रुप्स ऐड करेंगे उनके अकॉर्डिंग ये जो स्टैट्स हैं, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये स्टैट्स उन प्रोडक्ट जितने ऐड करेंगे हर ग्रुप में उनके अकॉर्डिंग ये स्टैट्स की इंफॉर्मेशन आएगी। यहाँ से आपको अंदाजा लगेगा प्रोडक्ट में कितनी पोटेंशियल है, इस प्रोडक्ट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जो 10 के 10 कंपिटिटर आप कहेंगे, उस तरीके से वो 10 खुद आप लोगों को सिलेक्ट करके ऐड करने होते हैं, वो 10 के 10 आप लोगों को या तो नीचे नजर आएंगे। जी जी एक टूल ज्यादा नहीं फायदेमंद, आप देखा बेसिक चीजें ही हमें बता रहे, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, मतलब गुजारे लाइक है, टू द पॉइंट है, काम आसान हो जाता है, जो मैनुअली हर प्रोडक्ट को अलग अलग करना है, बस ट्रैकर लगाओ और सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं, यही असल ये इसका कितने फायदा। दिन के लिए फ्री है ये टूल ये जी जेरविस? 7 days का फ्री प्लान, एक्सपायरिंग पहले 30 दिन का था, अब इन्होंने 7 दिन का कर दिया। अच्छा जी ये था आज का अभी, और उसके बाद अभी जो मैंने कहा था आप लोगों को ड्रॉप शिपिंग के लेक्चर, वो मैं आप लोगों को 2 या 3 लेक्चर्स दूंगा, ठीक है। अभी मे बी मैं मंडे को दूं, कंफर्म नहीं बता रहा, अगर मैं मंडे को पिंडी चला गया तो फिर मंडे को नहीं होंगे, फिर जैसे ही मैं पिंडी से वापस आऊंगा फिर आप लोगों की वो 2 क्लासेस होंगी, लेकिन वो 2-3 क्लासेस आप लोगों की इंशाल्लाह लाजमी होंगी, ठीक है। उसमें ड्रॉप शिपिंग का ओवरऑल बताऊंगा कि आप ड्रॉप शिपिंग कैसे कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग में आप लोगों ने कनेक्शंस कैसे लगाने हैं, ठीक है, अर्निंग्स कैसे कर सकते हैं, वो कुछ ट्रिक्स वगैरह बताऊंगा, ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी सर, जो हमें अमेजोन का जो हमारा पोर्टफोलियो, जो क्या नाम है, जो हमें आपको सबमिट करना था पोर्टफोलियो, जी जी उसकी डेडलाइन क्या है, वो सबमिट करना है हमें आपको? यार उसकी डेडलाइन में जी, उसको आप ऑब्वियसली करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही मुझे पता चलेगा। उसकी डेडलाइन यही है कि वो आईपी जो है $99 की है, उसने अभी बाय करके अपलोड नहीं की, क्योंकि तो अभी इंडिविजुअल बाय करने का मैंने सिखा है, उसकी अपनी तो है, अब इंडिविजुअल बाय डायरेक्ट कंपनी से करनी है, तो वो कहता है कि वहां पे मैं अभी पोर्टल पे अपलोड नहीं की, जैसे पोर्टल पे अपलोड करता है मैं आप जैसे ही मेरे पास पहुंचती है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, मुझे जक्रिया ने भी याद करवाया था, मैंने उसे मैसेजेस भी किए थे, तो जैसे ही मेरे पास आता है मैं आपको दूंगा अपना, ताकि पोर्टफोलियो आप लोग अपग्रेड कर लें, आप लोग अपग्रेड करने के बाद मुझे किसी भी टाइम सेंड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें जितना जल्दी करेंगे फायदा उतना ही होगा, ठीक सही हो है। गया। अच्छा सर, जिस तरह अमेजोन के जिस तरह वेयर हाउस होता है, जिस तरह फुलफिलमेंट बाय अमेजोन होता है, जिसमें अमेजोन खुद से पैकिंग करता है और जो पेमेंट
क्या नाम खुद से डिलीवर करता है कस्टमर को, इस तरह का क्या नाम दराज का भी होता है कि वो खुद से उनका वेयर हाउस हो, खुद से पैकिंग वैकिंग करे हर चीज का? जी जी जी, FBD फुलफिलमेंट बाय दराज उनके वेयर हाउस होते हैं, लेकिन FBD सिर्फ 4 शहरों में हो रहा है, ठीक है, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद और पिंडी, इनके अलावा FBD और किसी शहर में नहीं हो रहा, ठीक है। मतलब अगर मैं कराची में हूँ और मुझे कराची में ही बेचना है प्रोडक्ट, तो मुझे अपने पास वो मैं वेयर हाउस में नहीं भिजवा सकता, वो तो फिर लंबी कॉस्ट होगी ऐसा नहीं। कराची में है तो आप कराची में, सॉरी कराची में तो हो रहा है, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और फैसलाबाद, कराची में तो हो रहा है यार। जी जी ये था, बाकी इंशाल्लाह और किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा सर, जो PPC कैंपेन थी, जी जी सर, जो PPC कैंपेन थी वो उसमें जैसे हमने, जी तला आप पहले आप पूछ लें फिर मिस अमीना आप पूछिएगा। सर जैसे जो PPC कैंपेन थी उसके हमने जैसे क्या नाम थ्योरी एक्सपेक्ट हमने थोड़ा ज्यादा कवर किया था, तो उसकी भी प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर आप कराएंगे जैसे किस तरह सेलर अकाउंट में हम लोग करते हैं PPC मैनुअल। यार सेलर सेंटर की मैंने वीडियो भेजी थी, मेरा ही लेक्चर था, भेजी थी आपने देखी थी आप लोग? जी भेजी थी वीडियो, मेरा ही लेक्चर था, अगेन आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकती हूँ, प्रैक्टिकल वर्क था, सेलर सेंटर पे था, मतलब उसमें हर चीज थी कि किस तरह सेलर अकाउंट लॉगिन करना है, किस तरह PPC रन करना है, किस तरीके से आप लोगों ने इस पर वर्किंग करनी है, किस तरीके से PPC कैंपेन क्रिएट करनी है, लॉन्च करनी है, वो सारी थी। अच्छा सर, ऑटो PPC ज्यादा सही रहती है या मैनुअल? ऑटो में ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आता है या मैनुअल? ये आप लोग कुछ भी नहीं कह सकते जब तक आप लोगों के सामने रिजल्ट्स ना आए, ठीक है। हाँ पैसा है तो ऑटो सही है, लेकिन ऑटो में क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट आपके पास लार्ज अमाउंट में होनी चाहिए, उसमें फिर आपके जो नेगेटिव स्पेंडिंग होती है, मतलब जो पैसा फजूल जाता है, वो ऑटो में ज्यादा जाता है, ठीक है, सेल्स कम मिलती है, पैसा ज्यादा जा रहा होता है। ठीक जी, थैंक यू जी, वेलकम जी मिस आमिना। सर मैं ये पूछती थी कि दराज पे भी हम ये की सर्विस दे सकते हैं? जी दराज पे भी अभी सारी सर्विसेज, जी जी दराज पे भी अभी सारी सर्विसेज दे सकते हैं। ठीक है चलिए, अल्लाह हाफिज एवरीवन, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।